जेडीयू के विधायक ददन पहलवाल ने बक्सर लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। यहां से चुनाव जीतने का दावा कर उन्होंने एनडीए को ही चुनौती दे डाली है। ददन ने कहा कि उनके सिवाय कोई बक्सर से चुनाव नहीं जीत सकता है। हम तो यही कह रहे हैं कि 1,98,000 वोट मिला है और जब जब चुनाव लड़े हैं 2-3 बार हम सेकंड स्थान पर हैं। हमारा यहाँ पर करीब 1,98,000 वोट अब की भी चुनाव मोदी लहर में भी मिला, तो हमको टिकट देना चाहिए। एनडीए में यदि कोई जीतने वाला व्यक्ति है तो उसका नाम है ददन यादव, दूसरा कोई यहाँ चुनाव नहीं जीत सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से भी या पार्टी के लोग से भी यही है कि आप सर्वे करा लीजिए, और सर्वे में यदि हमारा निकलता है कि नहीं ददन यादव जीत सकते हैं तो हमको टिकट दे, और कोई लड़ेगा तो पार नहीं पाएगा। वहीं प्रशांत किशोर के बक्सर से चुनाव लड़ने की अटकल पर ददन पहलवान ने राय जाहिर की है। इशारों इशारों में ददन ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो बक्सर सीट पर जेडीयू की हार होगी। अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर जी के हम लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, अगला चुनाव में भी वो हम लोग के साथ थे। मुख्यमंत्री जी के ही तो हाथ में टिकट है, मुख्यमंत्री और एनडीए बैठ के बैठक करेगा, जो जीतने लायक कैंडिडेट होगा उसी को दिया जाएगा टिकट। ये हारने के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा कि बक्सर में लोग हार जाए, इसलिए उसमें आप लोग ढेर चिंता करने की विषय नहीं है। चुनाव तो हम ही जीत सकते हैं, हमको लड़ाएंगे लोग, हमें भरोसा है। पिछले बार अभी बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे हैं जो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले ये सीट जेडीयू के खाते में जाएगी, तब कोई जेडीयू का नेता यहाँ से चुनाव लड़ पाएगा। देखा जाए तो बक्सर सीट की हालत एक अनार 100 बीमार वाली लगती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।